हेलो गाइस, मैं राजन कुशवाहा। तो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं खस्ता कचौड़ी। और ये जो खस्ता कचौड़ी बनने वाली है, बिल्कुल रुई से भी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल जालीदार, बिल्कुल मतलब कि बेहतरीन। तो ये जो है मेरी शॉप की रेसिपी है, मतलब कि मेरे शॉप पे खस्ता बिकता है, तो वही मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्टेप पे मैंने ले लिया है मैदा। तो मैदा मैंने लिया है लगभग 1 kg। उसके बाद नेक्स्ट हम बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे, मतलब कि स्पेस बना लेंगे बीच में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको लेना होगा मोवन। तो यहाँ पे लगभग मैंने 300 ग्राम मोवन लिया हुआ है। मैंने डालडे घी को पिघला कर मोवन बना लिया है, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा चम्मच खाने वाला सोडा। अब अच्छे तरीके से मोवन के साथ इसको जो है मिक्स करेंगे। अगर आप लोग इसको गर्मी के टेम्परेचर में बना रहे हो तो आप डालडे घी से बनाइएगा। अगर आप इसको ठंडे मौसम में बना रहे हो तो आप रिफाइंड से भी बना सकते हो। इसी तरीके से प्रेस करते हुए दोनों हाथों से खूब इसको रगड़ लेंगे, मतलब कि कहीं भी मोवन का जो है ढोका टाइप का, गिल्टी टाइप की ना रहे। अच्छे तरीके से खूब रगड़ लेंगे, 1 से 2 मिनट तक खूब अच्छे तरीके से दोनों हाथों से रगड़ लेंगे। उसके बाद इसको हमको डो तैयार करना होगा। तो यहाँ पे मैंने दही का जो पानी होता है, मतलब कि तोड़, उसी से इसको डो बनाएंगे, मतलब कि सानेंगे, आटा को गूँथेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे। और हमको आटे को बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें हम अपना मोवन ऐड करेंगे। और इसको बिल्कुल सॉफ्ट हमारा जो है डो बनना चाहिए। तो लगभग देखिए 2 से 3 मिनट में आटा हमारा अच्छे तरीके से गूँथ चुका है। इसको थोड़ा सा और अभी टाइट लग रहा है, थोड़ा सा और पानी डाल के खूब अच्छे तरीके से गूँथ लेंगे। तो देखिए लगभग बेहतरीन हो चुका है आटा हमारा, डो तैयार हो चुका है लगभग की। मैं आप लोगों को हाथ से प्रेस करके दिखला देता हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारा रेडी हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग 5 से 10 मिनट रख देंगे एक पन्नी में भर कर कि ये सेट हो जाए। तब तक हम लोग आइए तैयार कर लेते हैं इसके स्टफिंग। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हमें एक बड़ी कटोरी चने का बेसन, एक बड़ा चम्मच दमालू मसाला और एक बड़ा चम्मच लाल देगी मिर्च, तीखी मिर्च, खाने वाला सोडा 1 बड़े चम्मच। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, मतलब कि सरसों के तेल से इसका डो टाइप का रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रहेगा, एकदम टाइट ही रहेगा, क्योंकि अंदर हमको भरना है, स्टफिंग तैयार करनी है। अच्छे तरीके से घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो इसी प्रोसेस से आप लोग भी ऐसे स्टफिंग रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि स्टफिंग बहुत अहम है खस्ते के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के बॉयल तोड़ लिए थे। ऐसे ही आप लोगों भी अपने मीडियम साइज़ में बॉयल तोड़ लीजिएगा, या फिर आपको जिस साइज़ में खस्ता चाहिए उस साइज़ में तोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चाकला ले लिया है और उसके बाद बीच में थोड़ा सा लोई को प्रेस करेंगे, मतलब कि थोड़ा जगह बना लेंगे, क्योंकि हमको इसमें स्टफिंग भी भरना है। तो स्टफिंग की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, देख लीजिए किस हिसाब से रहेगी। ऐसे ही दाबेंगे और उसके बाद खूब अच्छे तरीके से इसको चारों तरफ से, मतलब कि मुंह बंद कर देंगे। देखिए ऐसे ही अच्छे तरीके से खूब दाबते हुए सब में भरेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस से सभी को करेंगे। देखिए मैं ये वाली भी आप लोगों को करके दिखला दे रहा हूँ। उसके बाद हाथ से प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से।
और हाथ से इसको थोड़ा सा प्रोसेस क्या रहेगा, इसको हम थोड़ा सा दोनों हाथ से गुथियाएंगे और उसके बाद इसमें हम हल्का हल्का बेलन मार देंगे। देखिए इसको फटना नहीं चाहिए बेलते समय, अगर ये फट जाएगा तो ऑयल में भी फट जाएगा। देखिए इसी तरीके से आप लोगों को भी करना और देखना है कि ये फटे ना। और पहले हाथ से अच्छे तरीके से खूब गुठिया लेंगे दोनों हाथों की मदद से, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसको हम जो है बेलन से बेल देंगे और दोनों तरफ चारों तरफ मतलब कि बराबर ही बेलना है, क्योंकि अगर मोटा पतला रह जाएगा तो ये फिर अच्छा नहीं फूल पाएगा। देखिए ऐसे ही सेम प्रोसेस से बेल लेंगे, देखिए परफेक्टली हमारी मोटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो है खस्ते की लोइयों को बेल लिया है। ऑयल का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, तभी बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो है खस्ते फूलेंगे और बिल्कुल जालीदार रहेंगे। तो आज का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इस सबको हम ऐड कर देंगे धीरे धीरे करके, और देखेंगे आपकी एक मिनट तक लगभग अंदर ऑयल के हमारी जो हमने कचौड़ियाँ डाली हैं वो पड़ी रहेंगी। उसके बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएंगी, और ये जब ऊपर आ जाएंगी तो एक करछी की मदद से इसको हम चलाते रहेंगे, मतलब कि इसके ऊपर ऑयल छिड़कते रहेंगे चलाते हुए, तब ये परफेक्टली खूब बेहतरीन अच्छे तरीके से फूलेंगी। देखिए सब कचौड़ियाँ मेरी अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट फूल गई हैं। अब अलट पलट करते हुए खूब अच्छे तरीके से इसको ब्राउन कलर में ला लेंगे, मतलब कि गोल्डन कलर में अच्छे तरीके से ला लेंगे दोनों तरफ का। तो देखिए कलर मेरी खस्ते कचौड़ियाँ को बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ऑयल से बाहर कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, अब इसको हम ऑयल से बाहर करेंगे। तो देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है हमारी खस्ता कचौड़ी। अगर आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो खस्ता कचौड़ी का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।